शरद क्या तस्वीरें हैं सिरोही से खास कांग्रेस पार्टी को लेकर? जी चारू, मैं आपको बताऊं कि 56 सूची 56 लोगों की सूची जारी हुई है, जो कांग्रेस की चौथी लिस्ट है। इसमें पिंडवाड़ा के लीलाराम गरासिया को टिकट मिला है। हालांकि लीलाराम गरासिया का एन वक्त पर टिकट फाइनल हुआ है। इससे पहले निम्बाराम गरासिया का नाम चल रहा था, लेकिन इस बार ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने सर्वे का भी ध्यान दिया है। सर्वे के जरिए लीलाराम गरासिया का नाम आ रहा था, तो लीलाराम गरासिया का नाम पिंडवाड़ा से फाइनल हुआ। जालोर की बात करें तो जालोर में जो सीट है मेन, उसमें रमीला मेघवाल को टिकट मिला है, और रानीवाड़ा का एक बहुत ही हॉट सीट मानी जा रही है रानीवाड़ा, जिसमें रतन देवासी को पार्टी ने मैदान में उतारा है और बीनमाल से डॉक्टर समरजीत सिंह को प्रत्याशी बनाया है। मैं आपको बताऊं कि अभी जालोर सिरोही दोनों जिले की बात करें तो आहोर अभी शेष बचा है। आहोर में अभी घोषणा होनी बाकी है, आहोर में अभी घोषणा नहीं हुई, जो अगली सूची में घोषणा होने की उम्मीद है। और पूरे दोनों जिलों की होर्चित दो मानी जाएगी। एक सिरोही जिले की बात करें तो सिरोही विधानसभा, जालोर की बात करें तो सांचौर विधानसभा। सांचौर में बहुत ही अलग मुकाबला है इस बार देखने को, क्योंकि सांसद देवजी पटेल को चुनाव में उतारा और भाजपा के लोग वहां बागी होने जा रहे हैं, ऐसी एक सूचना मिल रही है। फिलहाल आज महापंचायत थी, महापंचायत में क्या डिसीजन हुआ ये अभी तय नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको बताऊं कि दोनों जिलों में दो होर्चित मानी जाएगी, सांचौर और सिरोही। और सिरोही से जो एक सीट थी पिंडवाड़ा, जिसमें लीलाराम गरासिया को प्रत्याशी बनाया कांग्रेस ने, जो बहुत लंबे समय से अपनी टिकट की एक मांग कर रहे थे और युवा थे, अभी वर्तमान में प्रधान भी हैं। बिल्कुल जी चारू, चलिए हमारे